लोग मुझे ऐसे एज ए ट्रॉफी देखते थे कि चलो इससे इस इसके इस साथ थोड़ा फ्लर्ट करेंगे चलो विदेशी है मुझे भी ग्रीन कार्ड चाहिए बिहारी लड़के सब बहुत ख़राब होते हैं आपने कभी गुंडा राज के बारे में सुना है और जब मेरे दूसरे फ्रेंड्स को पता चला कि आ, मैं बिहारी लड़की से शादी करने वाली थी तो क्या क्या कॉमेंट आता था एक बिहारी सौ बीमारी बिहार में इतनी गरीबी हैं बिहार में बहुत गदत श लोग होते हैं और इसलिए मैं आज खड़ी हूं बिहार के बारे में थोड़ा सा बताना है नमस्ते आई एम जयसिका कुमार एंड आई विल इन इंडिया फॉर लास्ट सेवनटीन ईयर्स और लोग पूछते रहते हैं कि मैम आपने हिंदी कैसे सीखी लेकिन मैं भी पूछना चाहती हूं कि आप लोग इतना भाषा का कहाँ से सीखते हैं कैसे बोल लेते हैं सो आई फील लाइक इंडियन दम सेल्वर सो वाई डू वी मेक सच अ बिग डील अ फॉरनर लर्न इन इंडियन लैंग्वेज तो मैं यू एस में पली बड़ी थी पूरी uh, लाइफ तो यू एस में है और लोग मुझसे पूछते हैं आपके फैमिली यहाँ रहते हैं कोई रहते हैं आपकी कोई फैमिली मेम्बर इंडियन है नहीं ऐसे कुछ नहीं मैं uh, शिकागो में रहती थी और मतलब बचपन में मैं एक शब्द हिंदी भी मतलब कभी बोली नहीं बस नमस्ते कभी सुना योगा गुरु बस चाय भी नहीं सुना समोसा भी नहीं सुना कभी कुछ नहीं मुझे कुछ नहीं आता था मैं जब छोटी थी तो मेरा मन में था कि मैं कभी बाहर जाऊंगी इंटरनेशनल बिजनेस कर करने के लिए मेरे पापा इंटरनेशनल बिजनेसमैन हैं तो मेरे मन में ये था कि मैं कभी विदेश जाके कुछ करूंगी बिजनेस या कुछ भी ऐसे लेकिन मुझे कभी ऐसे लगा नहीं मैं भारत आऊंगी मैंने पढ़ाई की है मार्केटिंग इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल बिजनेस और अर्ली टू थाउजेंड्स में बहुत सारा बूम हो रहा था चीन और भारत में और यूएस में सब लोग बात कर रहे थे कि अरे द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज ऑफ बिजनेस आर गोइंग टू बी इन इंडिया एंड चाइना सो मुझे लगा कि अच्छे मुझे इसके बारे में थोड़ा सा सीखना है मुझे थोड़ा सा समझ uh, में आना चाहिए इंडिया और चीन के बारे में और फाइनली मुझे मौका मिला इंडिया आने का इंटर्नशिप के लिए तो so, मैंने फटाफट एक्सेप्ट कर लिया आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू और मुझे इंटर्नशिप मिला और वो इंटर्नशिप कहाँ पे था बेंगलोर में नहीं था दिल्ली में नहीं था मुंबई में नहीं था वो था हरिद्वार में ऑफ ऑल प्लेसेस मुझे पता था कि हरिद्वार कोई ए लेवल सिटी नहीं था और वहां पे गए इतने हिंदी सीखने का इंटरेस्ट नहीं था मुझे लगा कि चलो इंग्लिश में काम चल जाएगा लेकिन वहाँ रहते रहते मुझे थोड़ा समझ में आया कि चलो ठीक है मैं अपने कॉलीग से इंग्लिश में बात कर सकती हम लोग प्रोजेक्ट्स के बारे में इंग्लिश में बात कर सकते लेकिन जब किसी के घर जाते हैं नानी से मिलते हैं उनके या दादी से मिलते हैं या उनके बच्चों से मिलते हैं या नाती नाती से मिलते हैं तो थोड़ा सा मतलब मतलब हिंदी में बोलना पड़ता है वो लोग मुझे हमेशा एज ए विदेशी समझ समझ लेंगे तो फिर उसके बाद मुझे हिंदी सीखने का इंटरेस्ट आया और एक एक बार हम लोग गए थे अमृतसर बड़े ग्रुप के साथ कॉलिग्स के साथ और मैं दो फ्रेंड के साथ ऐसे रूम में हम लोग सोए हुए थे दो लड़कियां थी और ये दो तो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे बोलते हैं और मेरे साथ लोग इंग्लिश में इंग्लिश में बात करते थे और ये लोग बहुत लेट हुआ हम लोग ऐसे सोए हुए थे होटल में और आ, ये लोग एक दूसरे से बात कर रही थी और एक लड़की रोने लगी और मुझे कुछ नहीं पता था क्या बोल रही हैं क्या क्यों इतनी अपसेट हो गए मैं कुछ नहीं समझ रही थी तो उस दिन उस दिन के बाद मैं मेरे अंदर एक आ, इच्छा आया मतलब तो, मैंने सोचा कि चलो मैं हिंदी सीखूंगी अगर गहरा रिश्ता बनाना दोस्तों के साथ या किसी के साथ कोई नॉर्थ इंडियन के साथ तो मुझे हिंदी ही सीखना है शुरुआत तो में कैसे हुआ कि सब्जी का नाम सीखो जैसे छोटे बच्चे वो बुक निकालते हैं वर्णमाला वो सब उसे मैंने शुरू किया अ आ, ई आ, अ से अनार आ से आम ई से इमली ई से इ सच में वहाँ से शुरू किया मेरा नाम जेसिका है आपका नाम क्या है आप कैसे हैं खाना अच्छा है बस स्टार्टिंग से मतलब शुरू ही किया एंड बहुत सारे जो किताबें हैं हिंदी की जो हिंदी सिखाने के लिए वो बिल्कुल मतलब गड़बड़ चीज सिखाते हैं वो सबसे पहले आपको सिखाएंगे ये कलम नीला है पहली बात है कि कलम कौन यूज करते हैं ये सब सबसे पहले आप कलम कलम सिखा रहे हैं आपको सिखाना है भैया ये कितने का है या ओ मेरा ये है नंबर सिखाना भैया सब्जी थोड़ा सब्जी का रेट थोड़ा कम करो ये सब सिखाना चाहिए इंडिया में रहने के लिए लेकिन वो गलत चीज़ सिखाते तो वो जो किताबें हैं थोड़ा गड़बड़ है तो मेरे इंटरेस्ट उसमें सबसे पहला आया कि अरे मुझे कभी कुछ डिफरेंट रास्ता बनाना है दूसरों के लिए हिंदी सीखने का क्योंकि ये रास्ता थोड़ा गड़बड़ है तो लोग ऐसे पूछते कि आप तेईस साल की थी आप, आप बचपन से हिंदी नहीं सीखी तो इतनी फ्लूंट कैसे बोल रही थी और आ, मुझे मुझे लगता है कि इंडियन लोग जो हैं वो हर एज में अलग अलग भाषा सीखने हैं अमेरिकिस का ये प्रॉब्लम है कि हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही मोनोलिंगुअल सोसाइटी है कि इतनी कल्चर्स है इतने हर देश के लोग हमारे देश आके बस जाते हैं लेकिन फिर भी इंग्लिश बहु, बहुत इंग्लिश बहुत ज़्यादा होता है यू में तो मैंने हिंदी सीखना शुरू किया और uh, मैंने बिहार का नाम सुना पहले लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं बिहारी लड़की से शादी करने वाली थी कुछ सालों के बाद मेरे इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ मेरा हिंदी का कोर्स भी कंप्लीट हुआ तो मैं वापस अमेरिका गई कुछ टाइम के लिए सोचने के लिए कि मेरा फ्यूचर क्या होगा इंडिया रहू, में रहूं वापस यूएस में रहूं क्या करें और वहाँ पे हिंदी भी बोलने का बहुत चांस मिला शिकागो में मैं एक्चुअली इंडियन सोसाइटी में बसने लगी वहाँ पे रेंट पे अपार्टमेंट मिला और वहाँ पे जैसे छोटा इंडियन क्या बोलते हैं लिटिल इंडिया लिटिल इंडिया बोलते हैं तो मैं शिकागो की लिटिल इंडिया में रहने लगी कुछ टाइम के बाद मुझे लगा कि एक्चुअली मुझे वापस इंडिया जाना है पता नहीं कैसे जाऊंगी इंटर्नशिप uh, हुआ जॉब मिलना जरूरी है या कैसे करेंगे सो so, uh, लेकिन जॉब लिया यूएस में और कुछ टाइम के बाद एक फ्रेंड ने मुझे बताया एक लड़के के बारे में जो बिहारी लड़का था और वो यू एस में पढ़ाई कर रहा था कभी कभी क्या होता था जब हरिद्वार में थी लोग मुझे ऐसे एज ए ट्रॉफी देखते थे कि चलो इससे इस, इसके साथ थोड़ा फ्लर्ट करेंगे देखिए ये मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी ऐसे कुछ लोग ऐसे सोचते एज अ पर्सन नहीं देखते थे एज अ फॉरनर एज ए वाइट पर्सन देखते थे कि चलो विदेशी है मुझे भी ग्रीन कार्ड चाहिए ऐसे वैसे चलता था तो लोग मुझे मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते थे तो मेरा बहुत आ, आ, अच्छा फीलिंग नहीं हुआ इसके साथ कि इंडियन बॉयज़ ऐसे करते हैं मेरे साथ तो मुझे पसंद नहीं है इतना मैं कभी मैंने कभी सोचा नहीं कि इंडियन um, से शादी कर सकते हैं सो so, लेकिन जब अभिषेक से बात करने लगी तो मुझे ऐसे फीलिंग कभी आया नहीं बहुत ही रिस्पेक्टफुल आदमी है एंड um, uh, बहुत ही मेरे बारे में समझने की कोशिश की है नॉट जस्ट एज ए ट्रॉफी एज ए ग्रीन कार्ड अपॉर्चुनिटी वैसे भी ही यूज़ ऑलरेडी इन एन एस सो हमारी मुलाकात हुई एंड बाद में पता चला कि हमारे बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे पहले से बताया कि मैं अकेला बेटा हूँ मेरे मम्मी पापा इंडिया में हैं तो एक दिन मुझे इंडिया वापस जाना ही होगा तो मैं बोली ठीक है मैं भी इंडिया जाने के लिए तैयार हूँ तो फर्स्ट दोस्ती हुई फिर धीरे धीरे प्यार हुई और फिर कुछ सालों के बाद शादी भी हुई जब मेरे दूसरे फ्रेंड्स को पता चला कि आ, मैं बिहारी लड़की से शादी करने वाली थी तो क्या क्या कमेंट आता था एक बिहारी सौ बीमारी बिहार में इतनी गरीबी हैं बिहार में बहुत गलत शलत लोग होते हैं बिहारी लड़के सब बहुत खराब होते हैं आपने कभी गुंडा राज के बारे में सुना है क्या क्या कमेंट आता था और अभिषेक जब अमेरिका में थे लोग पूछते थे आप इंडिया में कहाँ से हो और वो कभी कभी झूठ बोलता था मैं यूपी से हूँ या मैं मैंने पूना में पढ़ाई किया जो किया है मतलब सच में किया लेकिन वो बिहार का नाम लेने के लिए तैयार नहीं था कुछ अब तो लेते हैं अब गर्व है बिहारी होने पर लेकिन शुरुआत में थोड़ा शर्म आता था मैंने कुछ नहीं सुना लोगों का क्योंकि मुझे पता था कि अभिषेक कैसे आदमी है और कैसे परिवार से बिलोंग करते बहुत अच्छे लोग हैं इट मेड मी वॉन्ट इवन मोर टू गो अगेंस्ट पीपल स्टेरियोटाइप अबाउट बिहार और इसलिए मैं आज खड़ी हूँ बिहार के बारे में थोड़ा सा बताना है कि जो लोग सोचते हैं ऐसे जगह नहीं है ऐसे लोग नहीं है लोग पूछते हैं अरे जैसी का हम हाँ, मम्मी पापा ने तो मना नहीं किया मना तो करते होंगे लोग जब कोई विदेशी से शादी करना चाहते हैं लोग कोई लड़का शादी कैसे करेगा विदेशी से शादी कैसे करेगा हमारा बेटा कैसे समझेगी हमारा संस्कृति कैसे समझेगी हमारा खाना कैसे बनता हम हमारा कल्चर कैसे है हमारा परंपरा कैसे होते हैं कैसे समझेगी लड़कियाँ बताओ मम्मी जी पापा जी कभी ये सोच था शुरुआत में लेकिन मुझसे बात करने के बाद वो थोड़ा सा सोच दूर चले गए मेरे परिवार की, से मिलने के बाद थोड़ा वो लोग खुश हुए कि चलो हमारा लड़का थोड़ा डिफरेंट टाइप की लड़की से शादी करेंगे लेकिन ठीक है और अब मेरी माँ बोलती हैं कि आ, मैंने कभी सोचा नहीं मेरा बेटा विदेशी से शादी करेगा लेकिन तुम इंडियन बहू से ज़्यादा अच्छी हो जो मुझे पता है ये सच नहीं है लेकिन वो ऐसे बोलती हैं मुझे भलाई करने के लिए ठीक है तो हमारी शादी हुई यूएस में और पूरा सात फेरे और कलश तपना और कन्यादान मैं साड़ी पहनी बिहार वाली पूरा साड़ी पहनी ओढ़नी वोढ़ी पहनी बिहारी वाली सिंदूर इतना मोटा बड़ा सा ऑरेंज कलर ब्राइट कलर का सिंदूर यहाँ से वहाँ तक लग गया शादी में और मेरी फैमिली को अच्छा लगा उन लोगों को इतना समझ में नहीं आए लेकिन हम लोग ने ऐसे पंडित रखे जो समझाते हैं इंग्लिश में संस्कृत में और हिंदी में फिर हम लोग साथ में रहे छः साल अमेरिका में मम्मी पापा भी आते थे हम लोग हम लोग के पास रहने के लिए और हमको धीरे धीरे ये फीलिंग आने लगा कि मम्मी पापा इतने दूर हैं अकेले हैं और हम लोग भी इंडिया में फिर से रहना चाहते हैं उस टाइम हमारा एक बेटा हुआ अमेरिका में हुआ फिर हम लोग सोचने लगे कि चलो हम भी चाहते हैं हमारा बच्चा हिंदी सीखें इंडिया के बारे में समझें और मम्मी पापा को भी हेल्प हो जाए तो एक्चुअली हम लोगों का ट्रांसफ़र हुआ बिहार में बिहार में जॉब मिला लोग सोच रहे थे कि तुम पागल हो क्या और मेरे को कुछ छोड़ के कहा ही बिहार आ रहे हो पगला गए सच में तुम लोग कैसे जिंदगी बर्बाद कर रहे हो और लोगों की बात बहुत सुनना पड़ा अरे ये लड़का ने तो कमाया है नहीं होगा इसलिए भाग रहा है वापस माए बाप के पास लेकिन हम लोग वापस बिहार आ गए और मेरे लिए ये सब नया था मैं बिहार में रही नहीं पहले मैं पहले हरिद्वार में थी तो जो बहुत अलग है जो बहुत ही अलग है लोग बोलते थे बिहार इतने डेवलप नहीं है बिहार के लोग सब ऐसे हैं, वैसे हैं लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसे कभी हुआ नहीं मैं सात साल बिहार में रही एक बार भी कभी कुछ आ, हुआ नहीं जो मुझे चढ़ा गया या कोई लड़का ने ईव टीज़िंग किया मेरे साथ कभी एक बार भी हुआ नहीं बस लोगों का इंटरेस्ट था मैम आप कहाँ से हैं मेरे साथ सेल्फी ले लेना वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था क्योंकि लोगों को पता नहीं था विदेशी कैसे हैं कहाँ से आया अमेरिकन बहुत अलग होते हैं हम लोग से बट मुझे बिहार बिहार के लोग बहुत पसंद हैं बहुत ही हम्बल लोग हैं और लोग ऐसे बोलते हैं कि यार बिहारी सब बहुत रफ़ टोन में बोलते हैं लोग मजाक उड़ाते हैं बिहारी कैसे बोलता है जी ये हम हमरा तुमरा कैसे बोलते हैं बिल्कुल गलत शलत हिंदी अच्छा बात है ये अच्छी बात होनी चाहिए अच्छा बात थोड़, थोड़ी है और बहुत सालों से मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स ये दूसरे विदेशी फ्रेंड्स पूछ रहे थे जैसे का तुमने कैसे सीखी मुझे भी थोड़ा समझाओ कैसे सीखी तो ये मतलब हर महीने लोग कोई ना कोई पूछ रहा था जैसे का हेल्प प्लीज़ हेल्प मी आई नीड टू वॉन्ट टू लर्न हिंदी बट आई एम आई एम नॉट एबल टू लर्न इट फ्राम द बुक्स फ्राम द एप्स फ्राम ऑनलाइन टीचर्स कैन प्लीज़ हेल्प मी तो आई वॉज हेल्पिंग पीपल इंडिविजुअली ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस मुझे लगा कि अरे आई शुड एक्चुअली मैट फॉर्मलाइज दिस कि कैसे मतलब लोगों को सिखा सकते हैं कैसे फॉर्मलाइज करें हिंदी लोग पूछ रहे थे कि जैसे कि आप मुझे भी सिखा सकते हैं हिंदी बोले मतलब, मैं तो नहीं सिखाना चाहती हूँ क्योंकि आई फील लाइक नेटिव स्पीकरस जो है जो असली हिंदी बोलने वाले उन लोगों को सिखाना चाहिए वो जो असली कल्चरल बातें हैं फ्रेंडशिप भी होना ज़रूरी हैं और ये बिज़नेस है मैं दूसरे फॉरनर्स को सिखाती हूँ और कनेक्ट करती हूँ कि आ, अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं तो जो बुक्स है असनार आसे आम वो सब ठीक है और ये कलम है ये यूजलेस है पहले आपको सीखना है कैसे लोगों के से बात करना है सब्जी कैसे खरीदना है और कैसे अपने फ्रेंड्स से बात करना है आपके अपनी फ्रेंड्स की ए, मम्मी की से कैसे बात प्रणाम आंटी आप कैसे आपका तबीयत कैसे है खाना कितना अच्छा है मुझे और दीजिए या बस हो गया और दीजिएगा चाय में कम चीनी देना है ये सब बात पहले सीखना है क्योंकि ये आपका पहले इंटरेक्शन होगा इंडिया में सो so, um, मैंने नया सिस्टम स्टार्ट किया है एंड इट्स कॉल्ड लर्न हिंदी एनी वेयर तो शुरुआत में मेरा बहुत कम सब्सक्राइबर्स लाइक फ्यू थाउजेंड वो देर अब धीरे धीरे बढ़ने लगे कि लोगों को इम्प्रेस हुआ कि हिंदी कैसे सीखी बिहारी हिंदी कैसे बोलती हैं एंड पीपल लाइक ये तो ज़रूर डब कर रही होगी ये डब्बिंग इतना अच्छा हो गया ए आई कितना अच्छा हो गया आज कल अभी आया वन पॉइंट सेवन लैक फॉलोअर्स इंस्टा पे टू एंड ट्वेंटी थाउजेंड यूट्यूब पे और मेरे पॉडकास्ट में लगभग uh, मेरे पॉडकास्ट पे आया पाँच पाँच लाख डाउनलोड और uh, और वो पूरा दुनिया में है मतलब तो वो तो केवल इंडिया में नहीं है वो पूरा वर्ल्ड में लोग सुनते हैं एंड द पॉडकास्ट हैज़ टॉप वन हंड्रेड इन अबाउट फिफ्टीन डिफरेंट कंट्रीज इन सोसाइटी एंड कल्चर कैटेगोरी एंड इन द रिलेशनशिप्स कैटेगोरी इट्स इन टॉप टेन टॉप फिफ्टी एंड आई फील की लोगों को बिहार जितनी स्टेरियोटाइप्स लोग सोचते बिहार के बारे में मैं सब तोड़ना चाहती हूँ और जितनी डिविजन्स हैं कि अरे वो लोग ऐसे हैं वहाँ के स्टेट ऐसे होते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले ऐसे होते हैं साउथ इंडियन वैसे होते हैं ऐसे नहीं होना चाहिए द स्ट्रेंथ ऑफ भारत इज डाइवर्सिटी एंड दैट्स वाई आई लव इंडिया और uh, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ अपने फैमिली के साथ भारत माता की जय जय बिहार सबको धन्यवाद इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें